नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। थाना खोड़ा क्षेत्र में एक संगम पार्क के यादव चौक के पास ज्ञान जनरल स्टोर पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई, जिसमें ज्ञान प्रकाश के बड़े लड़के गौरव को गोली लग गई और उसे गंभीर हालत में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एडमिट कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोली रंजिशन चलाई गई है। एसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया, दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसको लेकर चार दिन पहले थाने में 151 के तहत दोनों को चालान कर जेल भेजा गया था। गौरव पुत्र ज्ञान प्रकाश के ससुराल वालों से पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसकी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस पूरी घटना की जाँच में जुट गयी है। आज खोड़ा थाना क्षेत्र के संगम पार्क के पास में करीब 10 बजे गौरव नामक लड़के को, जब वो अपने किराना की दुकान पे था, दो अज्ञात बदमाशों ने आके उसको गोली मार दी है, जिसका इलाज जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली में चल रहा है। प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोगों ने पता किया है, तो 2016 से ससुराली जनों से इसका विवाद चल रहा है। अभी चार दिन पहले ही ससुराल पक्ष से इन लोगों का झगड़ा हुआ था, जिसमें दो दो लोगों को की 151 की कार्रवाई की गई है। आगे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, तहरीर लेकर के FIR पंजीकृत करके जल्दी ही केस को रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें खबर टुडे न्यूज के साथ।